अच्छा तरीका है। आजकल देखिए आर्ट एग्जीबिशंस का काफ़ी फैशन सा हो गया है और लोगों को आर्ट में रुचि भी बढ़ गई है, स्पेशली पेंटिंग्स में। और आप देख रहे हैं कि अलग अलग आर्टिस्ट पूरे इंडिया से, कुछ आर्टिस्ट फेमस है, कुछ नए आर्टिस्ट हैं, लेकिन जनरली हम देखते हैं कि जिस तरह अब बॉलीवुड का प्रभाव बहुत ज़्यादा है हिंदुस्तान में, लेकिन अब जो है ये आर्ट एग्जीबिशंस भी लोग बहुत पसंद करते हैं, ख़ास करके ना ही सिर्फ ए ग्रेड शहरों में बल्कि बी ग्रेड टाउन जैसे कि नागपुर, पूना, बहुत एग्जीबिशंस होते हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि लोग आजकल के मसरूफ़ ज़माने में आर्ट को पसंद करते हैं। और ऐसे इनिशिएटिव कैंसर पेशेंट एसोसिएशन ने लिया है, जो एक बहुत बड़ी बात है। आर्टिस्टों का भी उनको फुल सपोर्ट है और वी विश ऑल द बेस्ट। मैं बिल्कुल सहमत हूँ सोनाली ने अभी जो बात कही है, और ये एक बहाना है कि एक छत के नीचे इतने सारे कलाकारों की कृतियों को जमा किया जाए, इकट्ठा किया जाए, और अल्टीमेटली ये है कि एक योगदान है कैंसर के लिए, जो अवेयरनेस चाहिए। तो मिस्टर एंड मिसेस सपरू जो हैं सीपीए में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मेरी हार्दिक बधाई है, हार्दिक शुभकामना है, और हम तैयार हैं जब भी ये एसोसिएशन को हमारी ज़रूरत होगी। सर, ये एसोसिएशन गरीब और अमीर को कैसे करेगा आपके साथ? वो तो देखिए, अब ये है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही खर्चाऊ है, और हमें अपनी तबीयत का ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें, खाने पीने में ध्यान रखें, अपना चेकअप कराते रहें। रेगुलर चेकअप जो है वो बहुत ज़रूरी है, और बाकी सरकारी अस्पताल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनने चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है, क्योंकि जो मिडिल क्लास फैमिली है उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो बड़ी हॉस्पिटल में जा कर के अपना इलाज करवाए, क्योंकि इलाज बहुत महंगा है, डॉक्टर्स महंगे हैं। तो हम अपनी तरफ से ये योगदान कर सकते हैं कि जब भी हमारी ज़रूरत हो तो हम लोग तैयार हैं। सारे ही कलाकार बहुत अच्छे हैं, यहाँ बीना अजीज़ जी के बहुत अच्छे तस्वीर है, ये पेंटिंग में भी आप इनकी आंखें देखें, जो आंखों में करुणा जो नज़र आ रही है, ये कुछ क्लॉथ पे काम किया है उन्होंने, तो आप ये दिखा सकते हैं जब मैं बताऊं, तो ये क्लॉथ पे उन्होंने बड़ा खूबसूरत काम किया है, और बड़ा ही काफ़ी अनोखा कलेक्शन है, और मैं दुआ करता हूं कि ये सब बिक जाए और ये सारा कैंसर एसोसिएशन वाला प्रोजेक्ट गाने का। अभी एक गज़लों का एल्बम रिलीज़ किया है, जिक्र तेरा, और अभी फिल्म रिलीज़ होगी नागरिक, जिसमें मेरा संगीत है। जिक्र तेरा लॉन्च हो गया ऑलरेडी, और अभी फिल्म रिलीज़ होगी अगस्त सितंबर तक, और उसके बाद जिक्र तेरा पार्ट टू भी तैयार है, जो हम नवंबर में रिलीज़ करेंगे। बाकी फिल्म बहुत